हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, फुल कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक में आज बहुत ही जबरदस्त और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया फ्रेंड्स। वो किससे है? ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोण मिति से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आज कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके लाया हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ और जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूँ कि मैं हमेशा एक ही टाइप की पाँच से छः क्वेश्चन ले आता हूँ। सबसे पहले बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट बताते हैं, कॉन्सेप्ट के बाद फिर क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स, क्वेश्चन आप सभी लोग देख ही लिए होंगे, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, आपको कॉन्सेप्ट में एक बात याद रखनी है। क्या? आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, इस बात का ध्यान देना। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैं कह दूँ कि साइन जीरो अंश का मान, तो आपको पता होना चाहिए कितना होता है जीरो। जैसे मैं कह दूँ साइन 30 अंश का मान, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है फ्रेंड्स? आप सभी लोगों का 1/2। साइन 45 अंश का मान। तो इस तरीके से चीजें फ्रेंड्स आपको याद होनी चाहिए, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? 1/√2। तो ऐसे ही चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैं कास 0 अंश का मान बात करूं तो कितना होता है 1। तो ऐसे ही चीजें आपको याद होनी चाहिए, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जिन बच्चों को याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से याद हो जाएंगी। तो जैसा फ्रेंड्स मैं आपसे बात करता हूं कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर 1 है और कॉस ए माइनस बी बराबर 1/2 है, तो आपसे ए की वैल्यू पूछा है, तो कैसे लगाएंगे? आप लोग सोचा करिए कि जो यहां पे साइन रहा करे, यानी जो यहां पे रहा करे उसका मान, यहाँ पे सोचा करिए कि किसका मान होता है। जैसे साइन ए प्लस बी बराबर 1 है, तो ये साइन में 1 किसका मान होता है? तो साइन में 1 किसका मान होता है? 90 का। तो इज इक्वल हो जाएगा साइन 90 डिग्री, हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। दोनों पक्षों का क्या करेंगे? कंपेरिजन कर देंगे फ्रेंड्स। तो ए प्लस बी बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे भी है, देखिए कॉस ए माइनस बी, कॉस क्या है? ए माइनस बी इज इक्वल, कॉस में ये किसका मान है? तो आप सभी लोग कहेंगे सर कॉस 60 अंश का मान है। किसका मान है? कॉस 60 अंश का मान है। दोनों तरफ कंपैरिजन कर देंगे तो ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब दोनों को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री और ए माइनस बी बराबर फ्रेंड्स कितना है? 60 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से आपका? 150 डिग्री। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 2 से काट देंगे तो 75 डिग्री। इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऐसा कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? अगर बी का मान पूछा होता तो कहीं भी रख दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी रख सकते हैं तो भी आपका आ जाएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ से? अगर 75 है तो बी का मान कितना हो जाएगा? 50 डिग्री, 15 हो जाएगा, तभी तो फ्रंट 60 आएगा, इस बात का ध्यान देना। तो ऐसे ही चीजों को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सेम उसी टाइप का ये अगला क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ टेन ए प्लस बी, यदि टेन ए प्लस बी का मान √3 है और टेन ए माइनस बी का मान 1/√3 है, और आपसे कह रहा है फ्रेंड्स देखिए ए प्लस बी का मान जो है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, और फिर कह रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए। तब आपसे पूछा गया है ए और बी का मान क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड, अब यहां से कह रहा है कि ए प्लस बी का मान किससे बड़ा होना चाहिए? 90 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। जैसे मैं पहले ऑप्शन में आऊं 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और दिया है कि ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए। अगर इसको ए मान लेते हैं बी, क्योंकि यही पूछा है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ए का मान बी से बड़ा नहीं है। यहाँ पे बड़ा है लेकिन 90 से छोटा होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे रखा है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ ए का मान छोटा है बी से, इसलिए ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। बिना कैलकुलेट किए चीजों को आप क्वेश्चन को देखते ही कर सकते थे। आपके सीजीएल मेंस 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी फ्रेंड्स लगाने के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे टेन ए प्लस बी बराबर कितना है? √3। तो इसका मतलब ये देखिए फ्रेंड्स किसका मान है,
ये किसका मान है, टेन में रूट थ्री किसका मान होता है फ्रेंड्स, ये 60 डिग्री का मान है। टेन किसका मान है, 60 डिग्री का मान है। तो ए प्लस बी बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 60 डिग्री हो जाएगा। टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो इसका मतलब ये किसका मान होगा फ्रेंड्स, टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो ये टेन 30 का मान होगा। किसका होगा, टेन 30 अंश का मान होगा, तो यानी ए माइनस बी बराबर यहाँ से कितना आ गया, 30 आ गया। अब देखिए ए और बी का मान चाहिए, तो देखिए फ्रेंड्स बी तो कट जाएगा, 2a बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। 2a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, 45 डिग्री। देखिए फ्रेंड्स एक ही ऑप्शन में 45 डिग्री है, और वो कौन सा ऑप्शन है, डी है। a बराबर 55 हो जाएगा, तो इसी वाले इक्वेशन में रख दीजिए, a प्लस बी का मान 60 है, तो इसका मतलब b का मान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 15 डिग्री ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कास ए माइनस बी बराबर √3/2 है, और कास ए प्लस बी बराबर 0 है, और कह रहा है आपसे ए और बी का जो मान है वो धनात्मक क्या है, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण है, और ए का मान बी से या तो बड़ा है या तो इक्वल है, तब आपको ए और बी का मान बताना है। एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर पूछा गया है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप सभी लोग खुद से करिएगा, क्योंकि मैं दो क्वेश्चन बता चुका हूँ, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी लोगों से यहाँ पे कह रहा है कि कॉस थीटा बराबर √3/2 है, तो देन टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स ये भी आसान है, कॉस थीटा में ये किसका मान होता है, तो आप सभी लोग कहेंगे सर ये कॉस √3/2 है, यानी किसका मान होता है, कॉस 30 अंश का मान होता है, तो यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से, 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब यहाँ पे रख दो टेन स्क्वायर थीटा है, तो टेन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, इंटू कास 30 अंश का मान कितना होता है फ्रेंड्स आप सभी लोगों का, √3/2, यही होता है कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, √3/2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहां से देखिए फ्रेंड्स 1/√3 का स्क्वायर करेंगे, 1/3 आएगा, इंटू √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा, 1/4, यानी 1/4 ही इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की चीजें आपको बेहतर तरीके समझ में आ गई होंगी। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बड़ी आसानी से कर लेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है एसएससी सीपीओ 2023 के पेपर में, क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन ए बराबर √3/2 का जो √3/2 और ए का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, तो 2 cosec a + cot a का मान क्या होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स साइन ए बराबर √3/2 है, तो ये साइन ए में किसका मान है, तो आप लोग कहेंगे सर साइन 60 अंश का मान है। किसका मान है, साइन 60 अंश का मान है, तो ए बराबर कितना आ गया फ्रेंड्स यहाँ से, 60 डिग्री आ गया, ए बराबर 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए 2, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपका कॉसेक 60 हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, कॉट 60 हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा, तो इंटू 2। अब देखिए फ्रेंड कॉसेक 60 अंश का मान क्या होता है, ये कॉसेक देखिए साइन का उल्टा होता है, साइन 60 अंश का मान कितना होता है फ्रेंड्स, √3/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3। ऐसे ही चीजों को सोच लिया करिए, प्लस कॉट 60 अंश का मान फ्रेंड्स कितना होता है, कॉट 60 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स आपका कितना हो जाएगा, 2 × 2 में 1 जोड़ देंगे 3, और बटे √3 हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए फ्रेंड्स 3 को आप लिख क्या सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, 3 को आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स √3 × √3 लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, अपान कितना है, √3, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2√3 बचा, यानी यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 2√3 यानी पहला ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए आज के सफर का फ्रेंड्स आखिरी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर 1/2 है, तब आपको 3
cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा का मान बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो क्योंकि फ्रेंड्स ये भी SSC सीजल 2022 के पेपर में पूछा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर चीजें आपको बेहतर तरीके समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स इस तरीके से बेहतरीन कॉन्सेप्ट वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स आपको किस टॉपिक में दिक्कत है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, उस पर शानदार तरीके से वीडियो बनाई जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।